नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मो फॉर्मिंग एंड वैक्यूम फॉर्मिंग के बारे में। जो थर्मो फॉर्मिंग प्रोसेस है और वैक्यूम फॉर्मिंग प्रोसेस है वो कैसे होती है और उसके अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो थर्मो फॉर्मिंग है इसका मतलब क्या है। देखिए, थर्मो का क्या मतलब होता है? थर्मो मतलब हीट, यानी कि आप क्या करेंगे, हीट का यूज़ इसके अंदर करेंगे। और फॉर्मिंग का क्या मतलब है? यानी किसी चीज़ को शेप देना। तो किसी चीज़ को शेप देना, हीट देना और फिर उसको गर्म करके उसको शेप देना, उसको थर्मो फॉर्मिंग बोलते हैं। इसी तरह से अगर वैक्यूम फॉर्मिंग की बात करें, इसके अंदर आप यूज़ करेंगे वैक्यूम का किसी भी शीट को शेप देने के लिए या किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए, तो वैक्यूम का यूज़ करेंगे। तो थर्मो फॉर्मिंग और वैक्यूम फॉर्मिंग क्या है, इनको हम समझते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या होगा, थर्मो फॉर्मिंग की अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे दो डाई हैं। एक ये अपर डाई है जिसको हम मेल डाई भी बोलते हैं, एक ये जो लोअर डाई है इसको हम फीमेल डाई भी बोलते हैं। तो अपर डाई और लोअर डाई है, इनके अंदर की जो शेप है, अकॉर्डिंग टू जो इन दोनों की शेप है उसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक शीट लेते हैं, इस तरह की आप शीट लेते हैं, आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप उसको हीट करते हैं। तो हीट करते हैं लगभग 55 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट करते हैं। तो गर्म करने के बाद इस शीट को इन दोनों डाइज के बीच में रख दिया जाता है। तो ये जो शीट है इन दोनों डाइज के बीच में आ जाती है। जब हम इसको हीट दे देते हैं, यानी कि गर्म कर देते हैं, फिर इस डाई को जो अपर डाई है, जो लोअर डाई होती है वो फिक्स होती है। जो अपर डाई होती है वो अप और डाउन मूवमेंट कर सकती है। तो जो हमारी डाई है, अपर डाई है, वो नीचे की तरफ मूव करती है। नीचे की तरफ मूव करेगी तो वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, यानी कि इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो जब इसके ऊपर ये प्रेशर लगाएगी तो क्या होगा, ये जो शीट है ये कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसी इसकी शेप है। यानी कि अगर हम इसका देखें तो ये इस तरह की जैसी अंदर शेप है उस तरह के प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है आपको इस शेप के अंदर मिलेगा। तो थर्मो फॉर्मिंग में क्या है कि शीट को हीट करना है, दोनों डाई के बीच में रखना है, फिर अपर डाई उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी और उसको एक रिक्वायर्ड शेप में कन्वर्ट कर देगी। दूसरा है वैक्यूम फॉर्मिंग। वैक्यूम फॉर्मिंग के अंदर क्या होगा, देखिए वैक्यूम फॉर्मिंग के अंदर सेम इसी तरह से होगा। जब आप शीट को रखेंगे, बस इसके ऊपर क्या होगी, ये वाली डाई नहीं होगी, अपर डाई नहीं होगी जो कि प्रेशर लगाया था और इसने इसको इसमें कन्वर्ट किया था। इसके अंदर आप क्या यूज़ करेंगे, ये आपकी शीट है जो मेटल की शीट है जिसको, या प्लास्टिक की शीट है, तो जिसको आपको कन्वर्ट करना है जो रिक्वायर्ड शेप है, तो जो आपकी शीट है आप यहाँ पे ले लेंगे, जो प्लास्टिक की शीट है, इसमें भी आपने यूज़ की है, इसमें भी आप एग्जाम्पल ले रहे हैं कोई प्लास्टिक की शीट का, तो इसमें भी और इसमें भी। तो आपने शीट को रखा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जगह दी गई है जो आपको दिख रही होगी, ये गैप दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या है, हमें वैक्यूम को क्रिएट करने हैं। यानी कि यहाँ से क्या है, हमें हवा को बाहर निकालना है, इसके अंदर वैक्यूम को क्रिएट करना है। जो ये जगह है, जब यहाँ से हवा को खींच लिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगी, यहाँ पर एक तरह का सक्शन प्रेशर लगेगा जो इस शीट को अपनी तरफ खींचेगा। और जब इसको ये खींचेगा तो जो ये हमारी डाई की शेप है उसी तरह की आपको रिक्वायर्ड शेप जो है प्रोडक्ट की मिलेगी। यानी कि इस तरह का जो शेप है वो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा खींचेगा तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो चिपक जाएगा यानी कि ये इसको बेंड करेगा और बेंड करने से जो भी रिक्वायर्ड शेप है वो जो डाई की ये ले लेगा। तो इस तरह से आपको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो इस तरह का ये प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलेगा। तो वैक्यूम फॉर्मिंग के अंदर क्या है, वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं जिससे वो इसकी तरफ खींचती है, एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है और उससे क्या होता है, हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। थर्मो फॉर्मिंग के अंदर हीट देते हैं और दो डाई का यूज करके प्रेशर के थ्रू उसको फॉर्म किया जाता है। तो ये थी हमारी थर्मो फॉर्मिंग और वैक्यूम फॉर्मिंग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।